गुड मॉर्निंग क्लास 11th स्टूडेंट्स, आज हम लोग अब सेकंड बुक का फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं और इससे आप लोग चैप्टर नंबर 8 स्पेशली नाम हम दे रहे हैं इसको, रेडॉक्स रिएक्शन इसका नाम है। रेडॉक्स के बारे में थोड़ा बहुत आइडिया आप लोगों को पहले से भी है, जैसा कि 10th क्लास में जो हमारे पास चैप्टर था केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन, उसमें लास्ट में देखो एक डिफरेंट टाइप ऑफ जो केमिकल रिएक्शंस थे उसमें एक रिएक्शन हम लोगों ने लास्ट में ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन को डिस्कस किया है, तो उसी का एक ब्रॉड पार्ट आप मान सकते हो कि अपने इस सेलेबस में यानी 11th क्लास में इंक्लूड है रेडॉक्स। इसमें जो RED है ये रिडक्शन वाले पार्ट से है और OX ऑक्सीडेशन वाले पार्ट से है और आगे रिएक्शन वर्ड लगा है। इसका मतलब क्या हुआ कि ऐसे रिएक्शंस जिसमें रिडक्शन और ऑक्सीडेशन दोनों अगर हो रहा है एक साथ, और मैक्सिमम रिएक्शन में ऐसा ही होता है, तो अब ऐसे रिएक्शन को हम लोग रेडॉक्स रिएक्शन का नाम देंगे। मतलब पूरा चैप्टर ऑक्सीडेशन और रिडक्शन से रिलेटेड है और उसके अलग अलग कॉन्सेप्ट हमें डिस्कस करने हैं। तो सबसे पहले देखो यहाँ पर हम लोग क्लासिकल कॉन्सेप्ट ऑफ रेडॉक्स रिएक्शंस की बात कर रहे हैं, जो इनिशियल कॉन्सेप्ट है जो स्टार्टिंग में आपको थोड़ा बहुत इसमें पहले से भी आइडिया है। तो सबसे पहले देखें ऑक्सीडेशन है क्या। जैसा कि आप लोगों को पहले से पता है इट इज़ अ प्रोसेस ऑफ एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, और ऑक्सीजन चूंकि इलेक्ट्रोनिगेटिव एलिमेंट है तो और एनी इलेक्ट्रोनिगेटिव एलिमेंट, अब क्या हो जाएगा इसका क्राइटेरिया बहुत लार्ज हो जाएगा, और रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन यानी हाइड्रोजन रिमूव होने से है, और हाइड्रोजन अलग बात है नॉन मेटल है लेकिन इसके मैक्सिमम नेचर इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट से मैच करते हैं, और एनी इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट फ्रॉम अ सब्सटेंस। अगर किसी सब्सटेंस के साथ मान लो ऑक्सीजन ऐड हो रहा है या कोई इलेक्ट्रोनिगेटिव एलिमेंट ऐड हो रहा है या हाइड्रोजन उस कंपाउंड से अलग हो रहा है या कोई इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट अलग हो रहा है, तो ऐसे सब्सटेंस का हम ये मान के चलते हैं कि उसका ऑक्सीडेशन हुआ है। तो इसीलिए ये ऑक्सीडेशन की पुरानी क्लासिकल डेफिनेशन है, इट इज़ अ प्रोसेस ऑफ एडिशन ऑफ ऑक्सीजन और एनी इलेक्ट्रोनिगेटिव एलिमेंट और रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन और एनी इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट फ्रॉम अ सब्सटेंस। तो इसके लिए हम लोग ऑक्सीडेशन वर्ड यूज़ करेंगे, और इसी का जस्ट अपोजिट कर दिया जाए तो रिडक्शन का केस हमारे सामने आ जाएगा। इट इज़ अ प्रोसेस ऑफ एडिशन ऑफ हाइड्रोजन और एनी इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट, या हाइड्रोजन ऐड हो जाए या कोई इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट ऐड हो जाए, और रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन और एनी इलेक्ट्रोनिगेटिव एलिमेंट, या ऑक्सीजन रिमूव हो जाए या कोई भी इलेक्ट्रोनिगेटिव एलिमेंट रिमूव हो जाए किसी सब्सटेंस से, तो ऐसे सब्सटेंस का हम ये मान के चलते हैं उसका रिडक्शन हुआ है। तो इट इज़ अ प्रोसेस ऑफ एडिशन ऑफ हाइड्रोजन और एनी इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट और रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन और एनी इलेक्ट्रोनिगेटिव एलिमेंट ऑफ टू अ सब्सटेंस। तो ऐसे केस में देखा जाए ऑक्सीडेशन का जस्ट अपोजिट रिडक्शन हो जाएगा। अब जैसे सामने देखा जाए कुछ एग्जाम्पल हमने 2-3 लिए हैं, आपको देखने से भी क्लियर हो रहा होगा। PbO का रिएक्शन कार्बन से मैंने करा दिया तो Pb बन गया प्लस CO। अब PbO से ऑक्सीजन देखिए अलग हो गई Pb बनने में, तो ऑक्सीजन का रिमूव होना रिडक्शन है, और कार्बन के साथ ऑक्सीजन ऐड हो गई CO के बनने में, तो अब कार्बन का देखो यहाँ पर क्या हो गया ऑक्सीडेशन हो गया। मतलब कार्बन का CO में कन्वर्जन ऑक्सीडेशन, PbO का Pb में कन्वर्जन रिडक्शन। ऐसे ही Cl2 प्लस H2S, अब Cl2 के साथ अगर हाइड्रोजन आके ऐड हो गई ये सिचुएशन हमारे सामने, तो हाइड्रोजन का एडिशन रिडक्शन है, और H2S के साथ हाइड्रोजन देखो अलग हो गई सल्फर के बनने में, तो अब H2S का ऑक्सीडेशन हुआ है। Mg प्लस F2 MgF2, अब यहाँ पर मैग्नीशियम के साथ इलेक्ट्रोनिगेटिव एलिमेंट ऐड हो गया है तो मैग्नीशियम के रिस्पेक्ट में देखिए ऑक्सीडेशन हुआ है, और फ्लोरीन के साथ इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट ऐड हो गया है तो फ्लोरीन के रिस्पेक्ट में रिडक्शन हुआ है।
ये तो कुछ ऐसे बेसिक चीज़ें हैं जो आप लोगों को पहले से ही पता है, और हम लोगों को बस थोड़ा सा नया इसमें ध्यान में रखना है। अगले स्टेप में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्सेप्ट की तरफ हम लोग मूव करेंगे। अब देखिए, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्सेप्ट का सिंपल मतलब क्या रहा, नाम ही है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्सेप्ट, यानी इलेक्ट्रॉन के बेसिस पर हम इसको डिफाइन करेंगे। तो ऑक्सीडेशन इज़ अ प्रोसेस इन विच एन एटम और ग्रुप ऑफ एटम्स टेकिंग पार्ट इन केमिकल रिएक्शन लूजेज वन और मोर इलेक्ट्रॉन्स। जैसे देखिए, MnO4 माइनस माइनस है, अगर वन इलेक्ट्रॉन लूज़ कर दे तो MnO4 माइनस बन जाएगा। MnO4 माइनस माइनस पर मैंगनेट, ये मैगनेट आयन है, और MnO4 माइनस पर मैगनेट आयन। Fe2+ अगर Fe3+ में कन्वर्ट होना है तो वे इलेक्ट्रॉन लूज़ हो रहा है। Cu+ में कन्वर्ट हो रहा है, इलेक्ट्रॉन लूज़ हो रहा है। तो ऐसे केस में जिस किसी रिएक्शन में अगर कोई भी एटम या ग्रुप ऑफ एटम या कोई आयन इलेक्ट्रॉन लूज़ कर रहा है, तो उस एटम का या ग्रुप ऑफ एटम का या आयन का ऑक्सीडेशन होता है। और एक चीज़ ध्यान में रखिएगा, जिस द स्पीसीज विच अंडरगो द लूज ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ड्यूरिंग द रिएक्शन, तो ऐसे सब्सटेंस को हम लोग देखा जाए रिड्यूसिंग एजेंट का नाम देते हैं या इसको रिडक्टेंट का नाम देते हैं। तो कभी रिड्यूसिंग एजेंट की बात की जाए तो आपके दिमाग में आना चाहिए कि जिसका ऑक्सीडेशन होगा रिड्यूसिंग एजेंट है, और जिसका रिडक्शन होगा वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। ये अपने को दिमाग में आना चाहिए। अब उसी की को देखा जाए, आगे हम लोगों ने किया आर कॉल्ड रिड्यूसिंग एजेंट और रिडक्टेंट, मतलब उसी लाइन को हमने कम्प्लीट किया है। रिडक्शन की तरफ अगर हम मूव करेंगे, तो रिडक्शन इज़ अ प्रोसेस इन विच एन एटम और ग्रुप ऑफ एटम्स टेकिंग पार्ट इन केमिकल रिएक्शंस गेन वन और मोर इलेक्ट्रॉन्स। जैसे Ag+ इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करके न्यूट्रल हो रहा है, Fe3+ इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करके Fe2+ में चेंज हो रहा है, Fe3- फेरिसाइनाइड आयन है, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करके फेरोसाइनाइड आयन में कन्वर्ट हो रहा है, Fe6 2-, यहाँ 3- है, यहाँ पर 2- है, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करके देखा जाए कन्वर्ट हो रहा है। तो हमारे कहने का सिंपल मतलब क्या है कि ये सिचुएशन अपने दिमाग में रहनी चाहिए, जो कि अपने को पता होना चाहिए। यहाँ पर इस वाले केस में देखो, एक चेंज थोड़ा सा, जैसे ये 3- है, यहाँ पर 4- है, ये जो है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने के बाद इस पर एक इलेक्ट्रॉन एक चार्ज और बढ़ जाएगा, तो ये राइट, ये है फेरोसाइनाइड आयन है। और द स्पीसीज विच अंडरगो गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ड्यूरिंग द रिएक्शंस आर कॉल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और ऑक्सीडेंट। ऐसे सब्सटेंस के लिए हम ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का नाम देंगे या उसको हम ऑक्सीडेंट का नाम देंगे। एक छोटा सा पॉइंट यहाँ पर हम लोग और डिस्कस करना चाहेंगे, ऑक्सीडेशन हाफ एंड रिडक्शन हाफ रिएक्शन। ये बड़ा सिंपल सा टॉपिक है और कई कई आगे हम लोग काफ़ी इसको यूज भी करेंगे। जैसे Zn+Cu++ गिव आउट Zn+++Cu। इसमें देखो, एक चेंज हमारे सामने, ये जो Zn है, ये Zn++ में चेंज हुआ है, अगर हम लोग इसको लेके चले। तो अब जैसे इसी पार्ट को देखा जाए, केवल ऑक्सीडेशन को शो कर रहा है क्योंकि इलेक्ट्रॉन लूज हुआ है, तो ये जो हमारे सामने है ये ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन है, रिएक्शन या इक्वेशन। ये दूसरा पार्ट हमारे सामने देखा जाए, Cu++ है, ये कन्वर्ट हुआ है Cu में, ये अब चूंकि पॉजिटिव है, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करके न्यूट्रल हुआ है, इसलिए रिडक्शन हाफ रिएक्शन, रिडक्शन हाफ इक्वेशन या रिडक्शन हाफ रिएक्शन का हम लोग नाम देंगे। तो ये सिंपल सी चीज़ है, बहुत ज़्यादा कुछ अलग नहीं है। कोई भी ज़्यादातर रिएक्शन जिसमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों होंगे, तो अगर इसमें हम लोग केवल एक एक पार्ट को डिस्कस करें, एक केवल ऑक्सीडेशन को शो करें, दूसरा केवल रिडक्शन को शो करें, तो ऐसे केस में हम ऑक्सीडेशन और रिडक्शन वर्ड, ऑक्सीडेशन हाफ इक्वेशन और रिडक्शन हाफ इक्वेशन वर्ड यूज़ करते हैं। इसके आगे देखा जाए, काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक इस चैप्टर का है ऑक्सीडेशन नंबर, काफ़ी इसका यूज़ भी है केमिस्ट्री में, तो स्टेप स्टेप पर ऑक्सीडेशन नंबर का यूज़ होता ही रहता है। इसमें देखा जाए, हम लोगों ने क्या लिया है कि ऑक्सीडेशन नंबर स्पेशली है क्या। ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ एन एलिमेंट इज़ डिफाइंड एज द रेजिडुअल चार्ज जो उस एलिमेंट पर
डेवलप हो रहा है, विच इट्स एटम हैज़ और अपीयर्स टू हैव व्हेन ऑल अदर एटम्स फ्रॉम द मॉलिक्यूल आर एज्यूम्ड टू बी रिमूव्ड एज आयंस बाय काउंटिंग द शेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स विथ मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम। मतलब क्या है कि कोई भी कंपाउंड जो हम लोग बनाते हैं उसमें किसी भी एलिमेंट पर कितना रेजिडुअल चार्ज असाइन हो रहा है और वो चार्ज हमारा अपीयर कैसे होगा, जितने भी दूसरे एटम्स हैं उनको हम लोगों ने उससे अलग कर दिया, रिमूव कर दिया है, और अगर कहीं कोवेलेंट बॉन्ड है तो उसमें इलेक्ट्रॉन मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव मेंबर की तरफ शिफ्ट हो जाएगा। तो इसको ध्यान में रखते हुए जो रेजिडुअल चार्ज डेवलप होगा किसी भी एलिमेंट पर, तो उसके लिए हम ऑक्सीडेशन नंबर वर्ड यूज़ करेंगे। एक अच्छा सा एग्जांपल हम लेना चाहेंगे, जैसे देखिए H2O। अब आप लोगों को सबको H2O के स्ट्रक्चर के बारे में पता है, ये देखिए H2O का स्ट्रक्चर बनता है। अब ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच में इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हुई है, ये मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव है तो इलेक्ट्रॉन इधर आएगा, तो इस हाइड्रोजन पर देखिए +1 चार्ज आ जाएगा क्योंकि इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन की तरफ आपने शिफ्ट कराया। हाइड्रोजन पर भी देखा जाए यहाँ पर क्या आ जाएगा, वही सेम कंडीशन +1। ऑक्सीजन पर एक तो इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन की तरफ से आया है और एक ऑक्सीजन की तरफ से आया है, तो दो इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा आ गए, इस पर देखिए -2 चार्ज। तो अगर H2O में मैं आपसे क्वेश्चन करूँ कि ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर क्या है तो -2, हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर क्या है +1। ऑक्सीडेशन नंबर चूँकि चार्ज है रेजिडुअल चार्ज, इसलिए प्लस या माइनस की साइन आप लोगों को ज़रूर मेंशन करनी है, इसमें कोई प्रॉब्लम आप लोगों को नहीं होनी चाहिए, मतलब अपने को मेंशन करना ही करना है। और भी एग्जांपल ले सकते हैं, मान लो कि मैं HNO3 का एग्जांपल ले लें। अब आप इसका स्ट्रक्चर देखिए, HON डबल बॉन्ड और ये डेटिंग बॉन्ड, ये आपके HNO3 का स्ट्रक्चर है। अब पहले यहाँ पर चेक किया जाए, हाइड्रोजन पर आपको देखने से लग रहा है कि इलेक्ट्रॉन चूँकि ऑक्सीजन की तरफ जाएगा, ये मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव है इसलिए इसके ऊपर +1 चार्ज आएगा। ऑक्सीजन पर एक माइनस चार्ज इस साइड से और एक नाइट्रोजन वाले साइड से भी आएगा, नाइट्रोजन से भी ज़्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव ऑक्सीजन है इसलिए यहाँ पर देखिए -2 चार्ज। इस वाले ऑक्सीजन को दो इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन दे ही रहा है इसलिए -2 चार्ज। यहाँ डबल इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हुई है लेकिन दोनों के दोनों इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन की तरफ हम शिफ्ट माने ही मानेंगे क्योंकि मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव है इसलिए -2 चार्ज। और इस नाइट्रोजन पर एक प्लस चार्ज इधर से, दो प्लस चार्ज इस साइड से और दो प्लस चार्ज इस साइड से, टोटल चार्ज किया जाएगा +5। ये हमारा नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर +5, ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर -2 और हाइड्रोजन का +1। ये सिचुएशन हमारे दिमाग में, ये इनका ऑक्सीडेशन नंबर है। हमेशा ऑक्सीडेशन नंबर को चार्ज से असाइन जरूर आप लोग करिएगा। और भी कोई एग्जांपल हम ले सकते हैं, मान लो कि मैं H2SO4 को लेकर के चलूँ समझाने के लिए, वही सेम कंडीशन, ये इसका स्ट्रक्चर बनेगा अपने पास। ये देखने से लग रहा है कि ऑक्सीजन का और हाइड्रोजन में, हाइड्रोजन के ऊपर +1 चार्ज है क्योंकि इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन की तरफ शिफ्ट होगा, ऑक्सीजन पर -1 इधर और -1 इधर से आएगा, -2 चार्ज आएंगे। यहाँ पर भी देखो -2 चार्ज, यहाँ पर भी -2 चार्ज, इस ऑक्सीजन पर एक माइनस इधर से और एक माइनस इधर से -2, हाइड्रोजन पर +1, और सल्फर पर देखा जाए +1 +2 +2 +1, टोटल देखा जाए +6 चार्ज आ जाएगा। तो ये सिचुएशन हमारे सामने ऑक्सीडेशन नंबर से रिलेट करने की है। लेकिन सबसे बड़ी बात क्या है कि ऑक्सीडेशन नंबर निकालने के लिए हर एटम के यानी हर कंपाउंड का स्ट्रक्चर बनाना पॉसिबल नहीं है, और अगर स्ट्रक्चर हम बनाएंगे भी तो बहुत टाइम लगेगा। इसलिए हम लोगों ने क्या किया, कुछ रूल्स असाइन किए हैं, उस रूल के बेसिस पर हम ऑक्सीडेशन नंबर बड़े आसानी से निकाल लेते हैं। तो हम थोड़ा सा उस रूल्स की तरफ मूव करेंगे और अपने कॉन्सेप्ट को और स्ट्रॉन्ग बनाएंगे, और ऑक्सीडेशन नंबर निकालना इजी तरीका हम लोग अप्लाई करेंगे, इजी पाथ की तरफ हम लोग मूव करेंगे। अब जैसे इसमें देखे जाए, हम लोगों ने रूल्स फॉर असाइनिंग ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ एन एटम, तो हम लोगों ने जो रूल्स बनाए हैं, पहले नंबर पर द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ एलिमेंट इन द फ्री और एलिमेंट्री स्टेट इज़ ऑलवेज 0 इरिस्पेक्टिव ऑफ इट्स एलोट्रॉपिक फॉर्म। अगर कोई भी एलिमेंट
फ्री स्टेट में है, किसी के साथ कंबाइंड स्टेट में नहीं है, तो उस केस में उसका ऑक्सीडेशन नंबर जीरो आएगा। जैसे अगर आपसे कोई कह दे कि H2O2 N2 O3 P4 S8, अगर आपसे कोई क्वेश्चन कर दे कि इनका ऑक्सीडेशन नंबर क्या है, तो इनका सबका ऑक्सीडेशन नंबर देखो इनका जीरो आएगा, क्योंकि फ्री स्टेट में है, किसी के साथ ये कंबाइंड नहीं है। अगर इनका एलोट्रॉप भी ले लिया जाए तो भी जीरो आएगा। जैसे डायमंड, ग्रेफाइट, ये सब कार्बन के एलोट्रॉप हैं, लेकिन सब पर कार्बन पर जो चार्ज बनेगा असाइन होगा वो जीरो चार्ज असाइन होगा। इसलिए ये लाइन अपने दिमाग में बड़े अच्छे से रखने की ज़रूरत है। द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ द एलिमेंट इन द फ्री और एलिमेंट्री स्टेट इज ऑलवेज जीरो इरिस्पेक्टिव ऑफ इट्स एलोट्रॉपिक फॉर्म। इसके एलोट्रॉपिक फॉर्म कुछ भी आ जाए, सल्फर रोम्बिक, सल्फर मोनोक्लिनिक, कुछ भी आए, रेड फास्फोरस, वाइट फास्फोरस, ब्लैक फास्फोरस, कोई भी एलोट्रॉप लिया जाए, ऑक्सीजन, ओजोन, ये सब चूँकि एलिमेंटल स्टेट में है, फ्री स्टेट में है, इसलिए इन सब का ऑक्सीडेशन नंबर जीरो आएगा। ये ध्यान रखना है अपने को। सेकेंड नंबर पर ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ द एलिमेंट इन मोनो एटॉमिक आयन इज इक्वल टू द चार्ज ऑन द आयन। जैसे अब के प्लस ले लिया जाए, एन ए प्लस ले लिया जाए, सी एल माइनस ले लिया जाए, बी आर माइनस ले लिया जाए। अब इनमें सब में जब के प्लस के ऊपर प्लस वन चार्ज है, इसका ऑक्सीडेशन नंबर प्लस वन, इसका ऑक्सीडेशन नंबर प्लस टू, प्लस वन, इसका माइनस वन, इसका माइनस वन। अगर यहीं पर मान लो कैल्शियम की बात करें, एल्यूमिनियम की बात करें, क्योंकि मोनोएटॉमिक आयन है, तो जो इनके ऊपर चार्ज असाइन होगा प्लस में या माइनस में, वही इनका ऑक्सीडेशन नंबर रहेगा। अगले केस में थोड़ा बढ़ना चाहूँगा मैं। द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ फ्लोरीन इज ऑलवेज जीरो। फ्लोरीन कहीं पर भी है, ऑक्सीडेशन नंबर इसका, सॉरी, द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ फ्लोरीन इज ऑलवेज माइनस वन। फ्लोरीन चूँकि सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव एलिमेंट है, इसलिए किसी भी कंपाउंड में फ्लोरीन अगर अवेलेबल होगा तो इस पर माइनस वन चार्ज असाइन होगा, क्योंकि यही इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा। अदर हेलोजन, दूसरे जो हेलोजन्स हैं, अगर वो कहीं पर अवेलेबल हैं, तो ज़्यादातर केस में माइनस वन इनका ऑक्सीडेशन नंबर आएगा, लेकिन किसी किसी केस में जहाँ पर यह हैलाइड फॉर्म में वहाँ पर तो माइनस वन आएगा, लेकिन अगर ये ऑक्सो एसिड्स हैं या ऑक्सो एनायंस हैं, तो ऐसे केस में इनका ऑक्सीडेशन नंबर पॉजिटिव आएगा। जैसे देखिए HClO, HClO2, HClO3, HClO4, ये सब ऑक्सो एसिड हैं क्लोरीन के, तो सब में जो क्लोरीन पर चार्ज बनेगा ये पॉजिटिव बनेगा। आगे तरीका मैं आप लोगों को बताऊंगा हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के बेसिस पर कैसे आप क्लोरीन का ऑक्सीडेशन नंबर काउंट करोगे। तो फ्लोरीन किसी भी कंपाउंड के अंदर अगर अवेलेबल है तो माइनस वन, बाकी हेलोजेंस क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन ज़्यादातर केस में माइनस वन स्टेज में रहेंगे जहाँ तक ये हैलाइड फॉर्म में है, लेकिन अगर ये ऑक्सो एसिड या ऑक्सो एनायन के फॉर्म में है, तो ऐसे केस में ये ऑक्सीडेशन नंबर जो इनका आएगा वो पॉजिटिव वैल्यू में आएगा। हाइड्रोजन इज़ असाइंड ऑक्सीडेशन नंबर प्लस वन इन ऑल इट्स कंपाउंड। जितने भी हाइड्रोजन कंपाउंड हैं उसमें हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर प्लस वन असाइन होगा। बाकी अगर मेटल हाइड्राइड के साथ हैं, जैसे NaH, MgH2, CH2, इनमें किसी के साथ हैं, तो ऑक्सीडेशन नंबर हाइड्रोजन का माइनस वन आएगा। ये चीज़ें अपने को ध्यान में रखनी है। ऑक्सीजन इज़ असाइंड ऑक्सीडेशन नंबर माइनस टू। ऑक्सीजन कहीं पर भी होगा माइनस टू ऑक्सीडेशन स्टेट इसकी आएगी, काफ़ी, मोस्ट ऑफ द कंपाउंड में। लेकिन अगर कहीं परऑक्साइड है, परऑक्साइड में देखो ये बॉन्ड अवेलेबल होता है, OO के बीच में बॉन्ड अवेलेबल होता है, जैसे H2O2, हाइड्रोजन परऑक्साइड, बेरियम परऑक्साइड, सोडियम परऑक्साइड, एक्सेट्रा, इट्स ऑक्सीडेशन नंबर इज़ माइनस वन। तो ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर ऐसे केस में माइनस वन आएगा। और अगर OF2 या O2F2 में ऑक्सीजन के ऑक्सीडेशन नंबर की बात की जाए, चूँकि ऑक्सीजन से फ्लोरीन अटैच है और फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ऑक्सीजन से भी ज़्यादा है, इसलिए ऑक्सीजन पर प्लस चार्ज आएगा। तो यहाँ पर तो प्लस टू आएगा, इस वाले केस में प्लस वन आएगा। ये ध्यान में रखने की ज़रूरत है अपने को। इन पॉलीएटॉमिक आयंस द सम ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑल इट्स एटम इज इक्वल टू द चार्ज ऑन द आयन। अब जैसे मान लो कोई पॉलीएटॉमिक आयन, मान लो CN माइनस है, तो C और N पूरे का मिला के माइनस वन ऑक्सीडेशन नंबर यहाँ पर आएगा।
अगर हम सी ओ थ्री माइनस माइनस की बात करें तो सी और ओ थ्री पूरे को मिला के माइनस टू चार्ज आएगा, यहाँ पर माइनस टू ऑक्सीडेशन नंबर आएगा। एस ओ फोर माइनस माइनस, अब पूरे एस ओ फोर का मिला करके टू माइनस है इसलिए यहाँ पर ऑक्सीडेशन नंबर माइनस टू आएगा। पी ओ फोर ट्रिपल माइनस, तो पूरे पी ओ फोर का मिला के माइनस थ्री ऑक्सीडेशन नंबर आएगा। मतलब अगर कोई पॉलीएटॉमिक आयन है जो पूरे एलिमेंट्स जितने अवेलेबल हैं सबका मिला करके जो उस पर चार्ज असाइन हुआ है वही पूरे का उस आयन का ऑक्सीडेशन नंबर स्पेशली है। इन बाइनरी कंपाउंड ऑफ मेटल एंड नॉन मेटल, द मेटल एटम हैज़ पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट वाइल नॉन मेटल एटम हैज़ नेगेटिव ऑक्सीडेशन स्टेट। जैसे देखो अगर हमने NaCl लिया है तो ये मेटल है और ये नॉन मेटल है, ये देखो प्लस वन चार्ज गेन करेगा, ये माइनस वन चार्ज गेन करेगा। अगर आपने MgCl2 ले रखा है तो ये मेटल है ये नॉन मेटल, चूँकि दो क्लोरीन अटैच है तो मैग्नीशियम देखो प्लस टू और क्लोरीन माइनस वन। देखिए जो ऑक्सीडेशन स्टेट हम लोग लिखते हैं ये पर एटम के रिस्पेक्ट में हम लोग हमेशा लिखते हैं, इसका ध्यान रखने की अपने को ज़रूरत है। और सबसे लास्ट में देखा जाए इन बाइनरी कंपाउंड ऑफ नॉन मेटल्स द मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम हैज़ नेगेटिव ऑक्सीडेशन नंबर वाइल बट लेस इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम हैज़ पॉजिटिव ऑक्सीडेशन नंबर। जैसे अगर हम HCl की बात करें, दोनों नॉन मेटल हैं, ये मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव है ये लेस इलेक्ट्रोनिगेटिव है, तो इस पर देखो प्लस वन आएगा, इस पर माइनस वन आएगा। अगर हम अमोनिया की बात करें तो नाइट्रोजन मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव है, हाइड्रोजन लेस है, तो नाइट्रोजन पर देखो प्लस थ्री चार्ज आए, नाइट्रोजन पर माइनस थ्री चार्ज आ जाएगा क्योंकि तीन तीन हाइड्रोजन इसके साथ अटैच हैं और पर हाइड्रोजन प्लस वन चार्ज आएगा। तो हमारे कहने का मतलब अगर कोई नॉन मेटल के साथ कोई बाइनरी कंपाउंड बना है तो ऐसे केस में जो मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम है वो नेगेटिव ऑक्सीडेशन स्टेट शो करेगा और जो लेस इलेक्ट्रोनिगेटिव है वो पॉजिटिव शो करेगा। और सबसे लास्ट में देखो अगर हम फर्स्ट ग्रुप में जितने भी एलिमेंट हैं लिथियम सोडियम पोटेशियम रुबीडियम सीजियम फ्रांसियम, इन सब का ऑक्सीडेशन स्टेट हमेशा प्लस वन रहेगा, हमेशा प्लस वन रहेगा, कहीं पर अगर अवेलेबल है प्लस वन ऑक्सीडेशन स्टेट शो करेंगे। और सेकेंड ग्रुप एलिमेंट जो है यहाँ पर बेरिलियम मैग्नीशियम कैल्शियम स्ट्रॉन्शियम बेरियम रेडियम, ये कहीं पर भी होंगे प्लस टू ऑक्सीडेशन स्टेट शो करेंगे। इतने रूल को ध्यान में रख करके हम ऑक्सीडेशन नंबर कैलकुलेट करेंगे और बड़े आसानी से हम किसी भी एलिमेंट का ऑक्सीडेशन नंबर कैलकुलेट कर लेंगे। अब जैसे कि एग्जांपल लिया जाए, अभी आपके सामने देखो HClO4 डिफरेंट टाइप ऑफ मैंने ऑक्सो एसिड ऑफ हेलाइड का मैंने डिस्कशन किया था, क्लोरीन की बात की थी। अब मान लो हमें क्लोरीन का ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है तो देखो जरा ध्यान से, हाइड्रोजन कहीं पर भी रहेगा प्लस वन चार्ज का रहेगा, हम लोग पहले ही मान चुके हैं। क्लोरीन का ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है इसलिए एक्स मान लो, साथ में ऑक्सीजन कहीं पर भी रहेगा माइनस टू चार्ज में रहेगा, कितने ऑक्सीजन हैं फोर हैं तो मल्टीप्लाइड बाई फोर हम निकल लिया, इक्वल टू इसके ऊपर कोई चार्ज तो है नहीं तो पूरा का पूरा सबका चार्ज मिला के जीरो आएगा, इक्वल टू जीरो। अब देखो यहाँ पर प्लस वन प्लस एक्स माइनस एट इक्वल टू जीरो, तो एक्स इक्वल टू आपके सामने दे रखा प्लस सेवन, तो यहाँ पर जो क्लोरीन का ऑक्सीडेशन स्टेट आएगा ये प्लस सेवन आएगा। बड़े आसानी से आप ऑक्सीडेशन स्टेट कैलकुलेट कर सकते हो। ऐसे सपोज करो अगर हम H2SO4 की ही बात करें, मान लो सल्फर का ऑक्सीडेशन स्टेट अपने को निकालना है तो बिना स्ट्रक्चर बनाए हम निकाल सकते हैं, हाइड्रोजन देखो प्लस वन रहेगा कहीं पर भी रहेगा क्योंकि दो हाइड्रोजन है इसलिए मल्टीप्लाइड बाई टू मैंने कर लिया, सल्फर का काउंट करना है इसलिए मैंने एक्स माना, ऑक्सीजन कहीं पर भी होगा माइनस टू और चार ऑक्सीजन है इक्वल टू कोई चार्ज नहीं है इसलिए जीरो, अगर यहाँ चार्ज आएगा तो चार्ज वाली वैल्यू इधर आएगी। अब यहाँ पर देखो प्लस टू प्लस एक्स माइनस एट इक्वल टू जीरो, तो एक्स इज इक्वल टू प्लस सिक्स, सल्फर का ऑक्सीडेशन स्टेट प्लस सिक्स आएगा। ऐसे जैसे मान लो कि अगर मैंने सी ओ थ्री माइनस माइनस अगर मैंने ले लिया है
अब मान लो कार्बन का ऑक्सीडेशन स्टेट हम लोग चाहिए, तो वही तरीका एक्स मान लो ऑक्सीजन माइनस टू, तीन ऑक्सीजन है इक्वल टू, देखो अब दो इसके ऊपर माइनस चार्ज है तो यहाँ पर माइनस टू आ जाएगा। यहाँ पर अगर प्लस चार्ज रहेंगे जितने पॉजिटिव नंबर रहेंगे वहाँ पर प्लस में ले लेंगे, और माइनस चार्ज रहेंगे वहाँ पर हम माइनस में ले लेंगे। तो आपके सामने क्या दिखा, एक्स माइनस सिक्स इज इक्वल टू माइनस टू, तो आपको सामने दिख रहा है कि एक्स इज इक्वल टू प्लस फोर। ये माइनस सिक्स इधर रहोगे प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा, दो माइनस कर दो तो कार्बन का ऑक्सीडेशन स्टेट प्लस फोर आएगा। ऐसे ही तमाम एग्जांपल्स अपने बुक में अवेलेबल हैं, आप लोग उनको करना जो सिंपल वाले हैं, इजी गोइंग हो जाएंगे। और थोड़ा सा जो अलग टाइप के स्पेशली हैं उनको मैं अगले वीडियो में डिस्कस करूँगा। थैंक यू।